अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। अमन दुश्मन ख्वारजी दहशतगर्दों का एक और हमला वतन अजीज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना देकर नाकाम बनाया। एसपीआर के मुताबिक बरू में खवारिज ने चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। हमले में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके नतीजे में 12 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गए। खुद कुछ धमाके से चेक पोस्ट को नुकसान भी पहुंचा। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ मुअसर हिकमत अमली बनाने की जरूरत भी है, और इस बारे में गुज़श्ता रोज एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की और दहशतगर्दी रोकने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब गौर से ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हालात में जब दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, वहां की हुकूमत एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ है। पख्तूनख्वा के 12 अजला ऐसे हैं जिसमें पुलिस की अमलदारी तकरीबन खत्म होकर रह गई है, लेकिन सूबे के वजीर आला अपनी पार्टी की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल और मुजाकरात में मसरूफ हैं। सूबे में अमन अमान की जिम्मेदारी ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, जो सूबे में कम और इस्लामाबाद में उनके जो वज़रा हैं और वज़ीर आला हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद हुकूमतें, सियासी जमातें और मीडिया भी इस मामले में उलझा हुआ है कि पीटीआई 24 नवंबर को एहतजाज करेगी या नहीं। अमन अमान को सब ने पसे पुश डाला हुआ है। आज बानी पीटीआई को इस्लामाबाद कोर्ट से एक रिलीफ मिला। अदालत ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की, लेकिन बानी पीटीआई अडियाला जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। उन पर अब भी दर्जन से ज्यादा मुकदमात कायम हैं, जिनमें उनकी अब तक जमानत नहीं हुई है, और वफाकी वजीर इत्तला तथा ताड़र के मुताबिक बानी पीटीआई की रिहाई फिलहाल मुमकिन नहीं है। दूसरी जानब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर ने आज एक दफा फिर अडियाला जेल में इमरान खान से 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात की, जिसमें 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज और मुजाकरात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गंडापुर का कहना था कि मुजाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे, और अब नहीं तो कब नहीं वाले नारे पर वो अभी भी कायम है। हम नहीं तो कौन पर भी कायम है, उसको साबित करने का वक्त आ चुका है। यानी आज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उन्होंने एक दफा फिर यह कहा है कि 24 नवंबर को हर सूरत एहतजाज होगा। दूसरी जानिब विफाक के साथ साथ पंजाब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मुमकिन हंगामा जो आराई है उससे नबर आजमा होने के लिए तैयारों में मसरूफ है, लेकिन वजीर इत्तला'आत ने आज ये बयान दिया कि पीटीआई से ऐसे ही निमटा जाएगा जिस तरह दहशतगर्दों से निमटा जाता है। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर है ये करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। दूसरी जानब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी की जानब से कमेटी तश्कील दी गई है, जो हुकूमत से इन तमाम मामलों पर बात करके एक माह बाद होने वाली पीपल्स पार्टी की सीएसी में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के अलावा गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला बलोचिस्तान, वजीर आला सिंध और नवीद कमर, शहरी रहमान और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल होंगे, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले ही नायब वजीर आजम इसहाक डार को पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करने की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली में उसकी सरबराही मांग ली है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने अयाज सादिक को स्पीकर को खत लिखकर उनसे मदद भी मांगी। जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बनता कमेटी अराकीन खुद अपना चेयरमैन इलेक्शन के जरिए मुंतखब करें। मार्च में हुकूमत के वजूद में आने के बाद पार्लियामेंट की सबसे अहम कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब तक चेयरमैन का इंतखाब नहीं कर सकी है। जहाँ एक तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की बातें हो रही हैं, दहशतगर्दी भी है, वहीं मुल्क की मईशत इस सब कुछ के बावजूद बेहतरी की जानिब गामजन है। ऐसे हालात में मईशत का ग्राफ ऊपर जाना आवाम के लिए एक अच्छा साइन है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने भी आज मईशत की बेहतरी का एतराफ करते हुए एक्स पर बयान दिया कि 2 साल बाद मईशत में बेहतरी के असरात नजर आना शुरू हुए हैं और खास तौर पर एक्सपोर्ट सेक्टर में बरामदाद में इजाफा हुआ है। हुकूमत की हिकमत अमली एहतजाज के हवाले से क्या है
اور مذاکرات تحریک انصاف کے کس سے ہو رہے ہیں اور یہ جیل کے دروازے کل 2 گھنٹے کیسے کھل گئے علی امین کے لیے، آج کیسے کھل گئے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نون لیگ کے سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جیل کے دروازے کل بھی کھلے 2 گھنٹے، آج بھی کھلے، اس سے پہلے ان کے رہنماؤں پر وہاں پر دفعہ 144 تھی، ملنے بھی بڑے کم لوگوں کو دیا جاتا تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے بلکہ پی ٹی آئی کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں ان کے؟ اب دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر 24 نومبر کو اس کال دینے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر یہ 24 نومبر کی ہڑتال یا دھرنا یا جو انتشار یا فساد کرنا ہے اس کی کال نہیں دی جانی چاہیے. پہلے تھی نا مذاکرات، شاید اب ہو رہے ہیں. نہیں، میرا مقصد ہے کہ یہ چیزیں صرف اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اب ان کو ڈیسپریشن ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوں جوں کیسز آگے بڑھیں گے، اور آپ دیکھیے آج ہائی کورٹ نے جو ضمانت دی اس میں بھی کہا کہ اگر آپ پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ ضمانت کینسل ہو جائے گی. ان کی اہلیہ بھی ضمانت لے کے پروسیڈنگز کو اوائڈ کر رہی ہیں. اگر آپ کا کیس جھوٹا ہے تو آپ، اب میرے خلاف کیس تھا نا، ہم تو زیادہ منتظر ہوتے تھے کہ اگلی تاریخ لگے اور جلد از جلد کاروائی ہو اور ہمارا کیس ڈیسائیڈ ہو، چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس میں کچھ ہے نہیں. تو یہ کیوں ایویسیو ہیں، یہ کیوں عدالتوں سے، یہ کیوں پیشیوں سے بھاگتے ہیں؟ اور دیکھیے میں آپ کو عادل یہ کہوں گا کہ ہر پاکستانی کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. آج 12 جوان شہید ہوئے ہیں جی، اور تقریباً روزانہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف خوارج جو ہیں انہوں نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اپنی پلانز کو اب شدت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں جی، اسی حملوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ پی ٹی آئی نے ملک کے اندر اپنے ہنگاموں میں یا احتجاج میں شدت پیدا کر دی ہے. تو کیا ایک طرف خوارج حملہ کر رہی ہے ریاست پہ، دوسری طرف پی ٹی آئی ریاست پہ حملہ آور ہو رہی ہے، یہ کیا ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں؟ نہیں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے؟ دیکھیے بظاہر آپ دیکھیے سنکرنائزیشن دیکھیے نا کہ ایک طرف جو خوارج کی کاروائیاں ہیں ان میں شدت ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کی تحریک میں شدت کی کال آ رہی ہے. تو اگر یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں تو پھر کم از کم ان کا ہینڈلر کوئی ایک ہے. ان کا ہینڈلر ایک ہے کہ جو دونوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرے. بڑی سیریس جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ اپیکس کمیٹی میں کل پھر علی امین گنڈا پور کے سامنے ہونی چاہیے تھی یہ بات. دیکھیے اب جو اپیکس کمیٹی کی گفتگو ہوئی وہ بہت سنجیدہ تھی اور اس بارے میں بہت کلیئر پاکستان کو کیا چیلنجز ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک ہائیسٹ فورم ہے اس کی جو گفتگو ہے وہ ایک امانت ہے، اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. البتہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے نہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. ایک عام آدمی بھی، ایک ریڑھی والا بھی، ایک مزدور بھی دیکھ سکتا ہے کہ ایک طرف خوارج کے حملوں میں شدت ہو رہی ہے، ہمارے فوج کی شہادتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی بھی وہی کام کر رہی ہے داخلی محاذ پہ جو وہ خارجی محاذ سے کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے، پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کا تاجر اب پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد امکانات دیکھ رہا ہے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں. آج عمر صاحب نے تعریف کی ہے ٹویٹ کر کے جی، معیشت کی انڈیکیٹرز. تو دیکھیے نا احسن صاحب، اس پہ معیشت پہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ شاید 25 نومبر کو یا تو جنرل فیض کو سزا ہونی تھی یا کچھ اور ہونا تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی 24 نومبر کو دیکھا جائے، ایسا بھی کچھ ہے؟ دیکھیے یہ سب باتیں میں تو اس سے پریوی نہیں ہوں. جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے کس سطح پہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو خارج از امکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو کرتے رہے ہیں انہیں تو معلوم ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے سیاستدان ہیں، وہ پہلی سیاسی جماعت ہے کہ جس نے فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، جس نے فوج کے خلاف عوام کو لڑانے کی کوشش کی، اور جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ آرمی چیف کے خلاف 9 مئی کی صورت میں ایک کو لانے کی کوشش کی. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کی نگرانی میں
पीटीआई ने की हैं, उनको मालूम है कि वो क्या कुछ करते रहे हैं, तो लिहाजा अब उनका अंदर का खौफ है वो उनको डेस्परेट कर रहा है, और वो चाहते ये हैं कि किसी ना किसी बहाने उनको एनआरओ मिल जाए। मिसाल के तौर पे एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी, उस मौके पर कॉल देने की क्या जरूरत थी, फिर कॉल ऑफ कर दी, लेकिन इसलिए दी कि ये हुकूमत के लिए एक बड़ा नाजुक मरहला है, हुकूमत शायद प्रेशर में होगी तो हम इस तरफ कॉल देकर ब्लैकमेल करेंगे और कोई बारगेन हासिल करेंगे। वो उनको नहीं मिली, फिर उन्हें कॉल ऑफ करनी पड़ी। और अब भी आप देखिए कि अगर जब आप धरना देते हैं या इस किस्म की हरकत करते हैं, स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, फैक्ट्रियां बंद होती हैं, आपको मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ता है या कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं, शहरियों को मुश्किलात होती हैं, मईशत के ऊपर कितने 100 अरब रुपए का नुकसान होता है इस किस्म की हरकत होता है। लेकिन ऐसे सब आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हुकूमत के कोई मुजाकरात नहीं हो रहे पीटीआई से, लेकिन एक मैं किसी खबर भी उसमें शामिल है, इत्तला भी हैं कुछ की, शायद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं। पहली बात यह है कि हम एक जमहूरी हुकूमत हैं जी, और हमने हमेशा ये कहा है कि मुजाकरात के जरिए सियासी मसाइल का हल होना चाहिए जी। जब 26वीं आईनी तरमीम थी तो जब हम उसे लाना चाहते थे तो अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि हम इस पर गौर करना चाहते हैं, हमें वक्त दिया जाए। हमने मौखर कर दिया और तकरीबन एक महीना मौखर किया, फिर पीटीआई के कहने पर, अपोजिशन के कहने पर एक पार्लियामानी कमेटी बनाई। उस पार्लियामानी कमेटी में 3-4 हफ्ते बहस हुई। उस पार्लियामानी कमेटी ने, जिसमें के पीटीआई भी शामिल थी, मुत्तफिका तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी। लेकिन जब वो जेल में गए तो खान साहब ने वीटो कर दिया और पीटीआई कुछ ना कर सकी। उन्हें नहीं बता सकी कि हमने तो वहां पर पार्लियामानी कमेटी में इस पर इत्तफाक राय किया है। तो असल बात यह है कि पूरी जो जमात है वो होस्टेज है एक बंदे की अना के लिए। तो क्या इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के अमन को, इस मुल्क के रियासती इदारों को एक शख्स की अना की भेंट चढ़ाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो हम सबके सोचने का। नहीं लेकिन ऐसे साहब इस पे सवाल ये है ना, देखिए इस मुल्क में ऐसे फैसले हो जाते हैं गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता। ये भी इम्कानात हो सकते हैं कि उन्हें शायद हाउस अरेस्ट कल से कर लिया जाए, क्योंकि अब तो अडियाला में वो हैं, इस्लामाबाद पिंडी में कोई मुकदमा नहीं है, या तो उन्हें आप कोर्ट लखपत मुंतकिल करेंगे, और एक ये भी है कि शायद कुछ सीबीएम्स के लिए उन्हें बनीगाला हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। आप गोया हैं कि हो सकता है कि खान साहब कोई डील करने के चक्कर में नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप डील देने के चक्कर में है या कहीं और से इनको ये डील मिल सकती है? नहीं, वो तो बड़ी देर से चाहते हैं कि उन्हें डील दी जाए, लेकिन अभी तो ना डील है ना ढील है। हाँ, अलबत्ता ये बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए मुकदमात का सामना करना चाहिए अदालतों में। ठीक, हमारे खिलाफ मुकदमे थे, झूठे थे, हमें यकीन था कि झूठे हैं। ना हमने अमेरिका की कांग्रेस के सामने जाके हाथ फैलाए, ना हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आगे जाके मिन्नतें की, ना कांग्रेसमैन सेनेटर्स के दरवाज़ों पे सजदे किए। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में लड़े, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के थे, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के थे, चाहे वो हमारी तमाम सफ़े अव्वल की लीडरशिप के थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमने अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित की। अगर खान साहब के ख्याल में ये मुकदमे झूठे हैं तो अदालतों में लड़ें और अपनी बेगुनाही साबित करें। लेकिन अगर 190 पाउंड का डाका आपने डाला है, अगर आपने 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के खजाने में आने चाहिए थे उसे अपने एक दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में डाल के उसके एवज मरात ली हैं, जेवरात लिए हैं, प्लॉट लिए हैं, तो फिर ये जो अमानत में खयानत की है सादिक और अमीन सो कॉल्ड होते हुए, ये फिर नाकाबले माफी है ना। आप तो ये तो खुद ही कहते थे कि बड़ों के लिए और छोटों के लिए कानून फर्क नहीं होना चाहिए। तीन मुतालबात हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे मुकदमात खत्म करें, वो कह रहे हैं 26वीं आनी तरमीम को आप वापस लें, हमारा मैंडेट हमें जो है वो वापस करें, और जो बेगुनाह हमारे असीरान हैं, सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। ये तीन मुतालबात आप मानने के लिए तैयार हैं? बात ये कि अगर वो अपना मैंडेट जो है, जिसे वो कहते हैं कि चुराया गया, और हम इसका मतलब ये है ना कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन को नहीं मान रहे जी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने उस 8 फरवरी के नतायज के नतीजे में कायम होने वाली असेंबलियों में हल्फ क्यों लिया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहायत बाकायदगी से एक दिन का TADA ज़ाय किए बगैर सूबाई और कौमी असेंबलियों से
अपने टी ए डी भी वसूल कर रहे हैं, उन्होंने सदर को, वजीर आजम को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को अपने वोट भी दिए हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपसे ज्यादती हुई थी और आप अपना मैंडेट वापस लेना चाहते हैं, तो उसका एक बड़ा आसान रास्ता है, इन असेंबलियों को जिन्हें आप नहीं मानते इनसे इस्तीफा दे दें, बाहर चले जाएं। फिर आप कह सकते हैं कि जी हम तो इस निजाम का हिस्सा नहीं, हमें वो हमारा चोरी की है वो मैंडेट दो, तो आप करें। वो भी आप में हिम्मत नहीं है, आप इस निजाम से भी चिपके रहना चाहते हैं। कोई मुतालबा हुकूमत मानेगी नहीं। देखिए, अब खुद पीटीआई 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम कर चुकी है असेंबलियों में हल्फ उठा के, सदर और वजीर आजम के इंतखाबात में हिस्सा लेकर, वो उस पूरे अमल को लिजिटिमाइज कर चुके हैं। अब अगर वो सिर्फ मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने की खातिर इस तरह के मुतालबात करेंगे, तो मैंने जैसे पहले कहा कि किसी एक शख्स की अना की खातिर हम 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगा सकते। पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानी से, अवाम ने कुर्बानी दी है, महंगाई को बर्दाश्त किया है, उस डिफॉल्ट सिचुएशन से निकाल कर हम यहां तक लाए हैं कि आज तमाम इंडिकेटर्स अब मुस्बत हो रहे हैं, अब हमने आगे चलना है। अब मेरा पीटीआई से और इमरान खान साहब से एक ही मुतालबा है, खुदा के लिए पाकिस्तान को चलने दो। जब भी पाकिस्तान चलने लगता है आप धरने देते हैं। 2014 में भी आपने ये किया था। आप कोई मुतालबात नहीं मान रहे, तो इसका मतलब दे विल मार्च ऑन इस्लामाबाद ऑन 24th of November। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? आप लोग आने देंगे? कंटेनर्स तो ऑलरेडी पिंडी इस्लामाबाद में पहुंच आए हैं, व्हाट्स द स्ट्रेटेजी? हुकूमत, उसका फर्ज है कि वो लोगों के जान और माल की तहफ्फुज करे, वो सरकारी तनसीबात की हिफाजत करे, वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की हिफाजत करे। ये लोग वायलेंट लोग हैं, इन्होंने हमेशा तशद्दुद किया है, आपके सामने पार्लियामेंट पे कब्जा किया, पीटीवी को जलाया, पिशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला दी, हत्ता ये कि कायद आजम मोहम्मद अली जिना की निशानी जिना हाउस को भी जला के राख कर दिया, फौज की तनसीबात पे हमला किया, जीएचक्यू पे हमला किया। तो इसके बाद अब आप इन पर इतमाद तो नहीं कर सकते ना, तो कि मतलब ये क्या करेंगे। तो जो हकूमत के इकदामात हैं हिफाजती, हकूमत पूरे करेगी, और किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उससे यकीनन सख्ती के साथ निपटा जाएगा। देखिए, हम पाकिस्तान ऐसे सब, मैं एक चीज समझना, यानी आप आने देंगे और अगर उन्होंने कोई ऐसा वैसा किया तो फिर आप क्रैक डाउन करेंगे, लेकिन अगर लाखों लोग फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं, वो मजमा कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, पीटीआई के पास कितने वोट हैं मुझे बताया ना, कितनी अक्सरियत ने उन्हें वोट दिया, कितने परसेंटेज वोट था? ऐसा साहब, वो अगर 30-32% होगा ना, पे बात नहीं, मैं आप देखिए, पीटीए 1 लाख वोट लेकर आ सकती है, तो 4 लाख लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या हमने लाख का ये, तो फिर हम जा रहे हैं ना प्रिमिटिव दौर के अंदर, के जहां लश्कर कशी होती थी और लश्कर कशी से आप मरकज फतेह किए करते थे। क्या ये पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट जो है वो लश्कर कशी के साथ चलेगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये उन ताकतों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को डीलिजिटिमाइज करना चाहते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। और ये पीटीआई के वर्कर्स को भी समझना चाहिए कि खान साहब की सियासत पाकिस्तान की सियासत नहीं है, वो पाकिस्तान को कमजोर करने की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की सियासत कर रहे हैं। क्या ये महज इत्तफाक है कि एक तरफ पाकिस्तान के दिफाई इदारा जो पाक फौज है जो हमारी सलामती को देखती है, एक तरफ खवारिज और दहशतगर्द उस पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीटीआई भी उस पर हमला कर रही है? आप बताएं ना, इसको देख के एक अंधे को भी समझ आता है कि ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ऐसे साहब, आखिर में चेंज ऑफ गार्ड्स की का एक कॉलम लिखा गया, फिर पीपल्स पार्टी जिस तरह से अब ओपोजिशन कर रही है आपकी, कल नदीम अफजल चलने का, हमारी अक्सरियत चाहती है कि हम इस हुकूमत से निकल जाएं, अब उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी आपसे मांग ली है, वो आपसे अब मुजाकरात भी करें, क्या एक तो इस बात के इम्कान हैं कि कोई एक कौमी हुकूमत बन जाए, नंबर 1। नंबर 2, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप आप देने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी? देखिए, अभी ऐसी बात नहीं, मैंने भी टीवी पे एक सुना है कि उन्होंने कोई टीम बनाई है, तो हमारे लोग भी उनसे बातचीत करेंगे। कोलेशन के अंदर इस तरह के मामलात होते रहते हैं, ये तो दो पार्टीज या तीन चार पार्टीज हैं, बहुत कम है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 पार्टीज की कोलेशन, लोग कहते थे एक महीना नहीं चलेगी, तो हमने 16 महीने चलाई है, तो ये हल्की फुल्की मौसीकी कोलेशन जहाँ पर भी होगी उसमें भी चलती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ऐसे ही बदएतमादी हो कि जिससे दोनों पार्टीज़
किसी ऐसी स्टेज पर हैं कि वो हुकूमत में साथ नहीं चलना चाहते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला है। देखिए अभी बाज़ाब्ता मेरे इल्म में नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा मानीवाला साहब ने खत लिखा है स्पीकर साहब जी, अगर उसके जो स्पीकर साहब फैसला करेंगे उस पर। एहसन इकबाल साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन वक्त चाहते हैं जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। वो तो कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि हुकूमती लेवल पर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात पीटीआई के साथ नहीं हो रहे, और उन्होंने एक बड़ी एक सख्त बात भी की कि ना ही होने चाहिए क्योंकि पीटीआई और टीटीपी के हैंडलर्स एक ही हैं। एक तरफ अगर वो पाकिस्तान पर हमला आवर हैं तो दूसरी जानब तरीके इंसाफ भी बार बार ये कर रही है। लेकिन इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ हो रही हैं। गुज़श्ता दो दिनों को अगर देखा जाए, दो दिन जो है मुसलसल दो दो घंटे अली अमीन गंडापुर के लिए जेल के दरवाजे खुले, बानी पीटीआई से उनकी मुलाकातें हुई। उससे पहले हमने देखा कि बहुत से रहनुमाओं की मुलाकातें भी नहीं होने दी गई। तो क्या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे हो रहा है? पाकिस्तान के दो मारूफ और बाखबर सहाफ़ी अबीब अकरम साहब और मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबीब अकरम साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो चहमगोइयां हो रही हैं, आज उनकी जमानत हुई, चले वो तो एक अदालती मामला है, लेकिन क्या कुछ पसे पर्दा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन हुई है? और ज्यादा इशारे लोग कर रहे हैं कि जी शायद हुकूमत तो नहीं लेकिन एक हुकूमती वजीर मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है, शायद उन्होंने किसी ना किसी लेवल पर पीटीआई से कुछ एंगेजमेंट की है। आपकी इतलात क्या कहती है? राबते की बातें आती हैं, एक पैटर्न जब भी, खास तौर पर ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके बाद पहला जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना चाहा था इस्लामाबाद में, तो उसको उसके साथ ही ये खबरें आई थी कि जनाब अब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हो गई है, अब बात आगे बढ़ेगी, लेकिन वो एक ट्रांजेक्शनल नेचर की बात रही और उसके बाद फिर दूसरी तरफ चली गई और कोई आगे हमने देखा कि कोई बात नहीं बढ़ सकी, यानी कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात नहीं हो सके। और आज फिर देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में चूंकि एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है 24 तारीख की, तो जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से फिर से ये खबरें शुरू हो गई हैं कि जनाब बिल्कुल कुछ बात हो सकती है, बात आगे बढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह। और खास तौर पर जब अली अमीन गंडापुर सब यके बाद दिख रहे, अली अमीन गंडापुर और गौहर दो दिन मिलते रहे गौहर खान साहब, तो नतीजा ये अफज करना मुश्किल नहीं है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बात एक बार फिर ट्रांजैक्शनल है, यानी 24 की तारीख को 25 कराना है, 24 नवंबर को 24 दिसंबर करवाना है, या कहना है कि जलसा करके चले जाओ, धरना ना देना वगैरह वगैरह, माफ कीजिएगा। अगर तो ये, और अब तक ऐसा लग रहा है और अब तक जो क्राइम भी ये बता रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शनल बातचीत है, जो कुछ भी है इससे ज्यादा अभी कुछ रीड नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पीटीआई की तरफ से सिर्फ दो दिन का टाइम दिया गया कि भाई दो दिन में आप जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें, तो इसका इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है कि कोई मीनिंगफुली बात आगे बढ़े। मीनिंगफुली बात आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसके कुछ असरात भी नजर आएंगे, जेलों से कुछ लोग बाहर आ रहे होंगे और कुछ चीजें हो रही होंगी जो इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। ठीक मुनीफ फारूक साहब, अबीब अकरम साहब ने बड़ी अहम बात की कि ये मुज़ाकरा कहीं ना कहीं, मतलब इशारे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात तो हो रही है लेकिन उन्हें नहीं लगता कि कोई मीनिंगफुल बात। और इन जो पीटीआई के तीन मुतालबात हैं वो अगर देखे जाएं तो इसका मतलब ये कि मौजूदा हुकूमत घर चली जाए, उसमें अगर तीसरा जो मुतालबा है जो कि उनके उस ईरान है जिन पर कोई वो सियासी कैदी हैं उन्हें वैसी हुकूमत को CBMs के तौर पर रिहा तो किया जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ये मुज़ाकरात किस लेवल पर हो रहे होंगे और क्या हुकूमत को एटलीस्ट ये एक मुतालबा मान लेना चाहिए सिर्फ CBMs के लिए एटलीस्ट? एक तो ये है कि ये जिस तरह की अभी मामलात चल रहे हैं इसे आप विंडो ड्रेसिंग, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये विंडो ड्रेसिंग है, इसमें सब्सटेंशियल कुछ भी नहीं है। सब्सटेंशियल पहले भी कुछ नहीं था। देखिए इमरान खान साहब का जो पूरा मामला है उसका ताल्लुक किसी मुकदमे खास तौर पर या उसकी जमानत या उसकी कार्रवाई से नहीं है, वो और चीजों से उसका ताल्लुक है। इमरान खान साहब का ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से खराब है, उनके लिए आसानियां हो जाएंगी। जहां तक उनकी डिमांड्स की बात है तो उन चारों में से फिलहाल तो किसी
پر بھی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی میننگ فل، یا ایسی چیز جس کے اوپر کوئی بات آگے بڑھ سکے. جو گنڈاپور صاحب کی آج یا دو دن میں جب عمران خان نے ملاقاتیں تھی ان کا وہ کچھ یہ ہے کہ وہ زیادہ اس حوالے سے تھی کہ اس کو کال آف کیا جائے یا اس کو اس کے اندر کچھ اس کی نوعیت کو بدلا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے مطالبات اس وقت منوا سکتی ہے جب اس کے پاس لیوریج ہو. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بدقسمتی سے وہ لیوریج نہیں ہے. پاکستان کی مقتدرہ کے تعلقات ان سے خراب ہے، پاکستان کی حکومت اس کی بینیفیشری ہے، اور وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے زور پر بھی اتنے ہی پھر ناز نخرے اس حکومت کے بھی ہیں. یہ مذاکرات بھی نہیں ہے بیسیکلی، یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ گنڈاپور صاحب کو دی جاتی ہے. گنڈاپور صاحب ویسے بھی عمران خان صاحب کے لیے چھوٹی موٹی کنسیشنز کے لیے بات کرتے رہتے ہیں، سبسٹینشل بات کوئی نہیں ہو رہی ابھی تک. لیکن آپ یقین مانیے کہ لاجک، اب یہ تجزیے سے آگے لاجک کی بات میں کرتا ہوں، لاجک یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے سوا سال جیل میں گزار لیا ہے اور کتنا عرصہ گزاریں گے، تو ان کو باہر آنا چاہیے. یا ابھی آپ نے سی بی ایمز کی بات کی تو چند چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی کیونکہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو لاجک کو ڈیفائی کرتا ہے ہمارے ملک میں آج کے حالات میں، لہذا مجھے وہ لاجک پریویل بھی نظر نہیں آ رہی. لگتا تو ابھی بھی یہ ہے کہ جی آپ دو مہینے چار مہینے اور کتنا عمران خان کو اندر رکھیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو جو ایک ان کو سزا ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں نیب اور حکومت کانفیڈنٹ ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، شاید اس سزا کے بعد عمران خان صاحب سے کے معاملات کچھ مختلف رنگ اختیار کریں. یہ میں ایک اندازے کے طور پر مختلف رنگ اختیار کریں. ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب، منیب فاروق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے دو سینئر صحافی منیب فاروق صاحب اور حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب آپ کے پاس میں دوبارہ ہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے 24 نومبر کو کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ ابھی تک جو حالات ہیں وہ آئیں گے، اور پنڈی اسلام آباد آلریڈی کنٹینرز لگ چکے ہیں، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حکومت کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے شاہزیب صاحب، عادل شاہزیب صاحب، وہ وہی ہوتا ہے، وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہاں سے تو جو پیغامات ہیں وہ یہی ہیں کہ آئیں گے تو خام خراب ہوگا، تصادم ہوگا، لڑائی ہوگی، مار پیٹ ہوگی. میرے خیال میں گنڈاپور صاحب کو کے ساتھ اب میں کہنا تو نہیں چاہیے، وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے. محسن نقوی صاحب بہت طاقتور حلقوں کے ساتھ بہت قریب ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آئیں گے تو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اچھا ملاقاتوں میں پرابلم ہے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن جو چار ڈیمانڈز ہیں ان پہ تو کچھ نہیں ہے. اب اگر وہ آ جاتے ہیں، میں اب یہ تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ وہ کتنا بڑا مجمع لے آتے ہیں، تو پھر بھی کوئی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کچھ سوچا جا رہا ہے. انفیکٹ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں کہ بھائی انہوں نے اگر ان کا کوئی شوق ہے مزید تو پورا کر لے، یہ عمران خان کو مزید مسائل کا شکار کریں گے یہ آتے ہیں یا یہ کام کر کے، اور عمران خان خود کو بھی مزید پرابلمز میں ڈالیں گے. اب اگر یہ پرابلم اور یہ پوزیشن موجود ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک نوول سچویشن بن گئی ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا بڑا سٹینڈ آف پاکستان کی حکومت یعنی ریاست پاکستان کے اداروں کا، تو یہ تو اٹ از ٹیکنگ اس آل انٹو ا ویری نیو ڈائریکشن، ایک نئی ڈائمینشن ہے وچ از این انچارٹڈ ٹیریٹری. Why do I say so? Because آپ یہ دیکھیے کہ اس کا آؤٹ کم کوئی پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتا. خدا نہ خواستہ 9 مئی ریپیٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز دوبارہ ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ سیولین کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سو یہ چیزیں ابھی بڑی عجیب ہیں، اور آئی ووڈ سے کہ جی ہاں ابھی یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے جن کے اوپر ہم میرے خیال میں سرٹنٹی سے کامنٹ بھی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. چلے ابھی اکرم صاحب سوال میرا آپ سے وہی، ایک تو جو جس طرح منیب نے کہا اور پھر ڈیفنس منسٹر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی ونڈو کھلنی ہے مذاکرات کی تو 9 مئی کا پل عبور کرنا پڑے گا، ایک تو اس پر آپ کا کمنٹ، دوسرا 24 نومبر کا جلسہ اگر تو بڑا کوئی مجمع آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ پر پریشر تو آئے گا، لیکن اگر ادر وائز ہوتا ہے، ان کو آنے نہیں دیا جاتا، ڈسپرس ہو جاتا ہے، لوگ کم آتے ہیں، تو اس کا پی ٹی آئی کی سیاست یعنی فائنل کال جو انہوں نے نام دیا، کیا امپیکٹ آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟
आदिल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आगे बढ़ती है तो उसमें ये खतरात बाहर रहते हैं कि उसका कोई प्रोग्राम नाकाम हो जाए, और डेफिनेटली नाकाम प्रोग्राम के कुछ ना कुछ असरात तो आते हैं, लेकिन उससे पीटीआई की जो वाइड स्प्रेड सपोर्ट है वो तो कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही। उससे पहले भी कई प्रोग्राम पीटीआई के नाकाम हुए, मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजमा लेके आई और जो वजीर आला अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा के वो वहां पर डी चौक पहुंचे और हाथ लगा के चले गए, तो उससे पीटीआई की हमायत में कमी नहीं आई। पीटीआई की पॉलिटिकल सपोर्ट अपनी जगह है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी एक मजमे से मामलात हल करना मतलूब है? मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा अच्छा तर्ज अमल नहीं होगा कि हम पाकिस्तान में चाहे वो रिसीविंग गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो कि मजमे के जोर पे मुतालबात माने जाए। लेकिन अभी जैसे मुनीब कह रहे हैं, इन्होंने बड़ा दुरुस्त पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान की सियासत यरगमाल बनाने में और यरगमाल होने में पोशीदा रह गई है। मिसाल के तौर पे किसी ने इमरान खान को यरगमाल बनाया हुआ हुकूमत है तो हुकूमत कहती है अच्छा अगर इमरान खान के हमायती निकले तो हम इमरान खान को तकलीफ देंगे, और लोगों को हॉस्टेज इसलिए बनाया हुआ है कि जनाब अच्छा अगर तुम निकले तो हम इसको समझेंगे कि तुम गद्दारी कर रहे हो और तुम पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम के नसीब बन के आ रहे हो। तो जब यरगमाल बनने और बनाने पे बात आ जाए तो फिर मजमे का साइज या मजमे के जरिए बात मनवाना ही आखिरी चारेकार रह जाता है। यहां पे अब एक अहम बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब मुजाकरात में या चलिए एक रबते के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, गौहर खान अगर रबते के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या इस मुल्क को हमने इसी तरह रखा है कि एस्टैब्लिशमेंट और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान तनाव रहे और हर वक्त एक खेंचा तानी की कैफियत रहे? तो ये तो पाकिस्तान इस तरह तो नहीं चल पाएगा ना। तो लिहाजा कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा आदमी जो हो जो दोनों तरफ के लिए काबिल कबूल हो, ऐसे आदमी को ढूंढना कम अज कम पोलिटिकल पार्टीज में तो मुझे नजर नहीं आता। पोलिटिकल पार्टीज में कोई ऐसा शख्स हो जो अपने सियासी मफादात से बालातर हो। हाँ हमारे पास लोग मौजूद हैं और इसमें हो सकता है कि कोई ये कहे कि मैं अपने हद से या सहाफत की हद से बढ़कर बात कर रहा हूं। मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें भी अपने मुल्क के हालात को देखते हुए लोगों को तजवीज करना चाहिए कि आप इस तरफ भी देख लें। मिसाल के तौर पर मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अनवारुल्लाह काकड़ साहब साबिक निगरान वजीर आजम रहे, अगर उनसे उन्हें कहा जाए कि बात आगे बढ़ाएं, उनसे कोई कहे बात आगे बढ़ाएं, बात कम से कम वो यानी इस वक्त पाकिस्तान के एक मोहतरम होते पे रहे हैं, पीटीआई को उनके ऊपर कुछ वो हो सकते हैं एतराजात, कुछ हुकूमत को भी हो सकते हैं, सबको हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब इस जैसे लोगों की इन जैसे लोगों को आगे करके हमें बात करना होगी। बस बात किए बगैर अब गुजारा नहीं होता। अभी बकरम साहब, मुनीब फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद अहमद ओवैस एडवोकेट साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा है वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका प्लान क्या है 24 नवंबर को, क्या वो आ रहे हैं और कितना मजमा लेके आ रहे हैं। वेलकम बैक राजीन। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, मुनीब फारूक और जनाब अभी बकरम साहब का तजिया भी आपने सुना। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद ओवैस एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद ओवैस साहब, दो दिन मुसलसल अली अमीन साहब और आपके चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले आज भी, लेकिन आज जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एहतजाज जो है ना वो मुअख्खर होगा ना वो होगा। हम अब ये बताइए कि या क्या किसी लेवल पर कोई ना कोई मुजाकरात हो रहे थे और अब मामला खत्म हो गया और आपका फाइनल फैसला यह है कि कोई मुजाकरात नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट यह भी आई थी कि मुजाकरात कामयाब हो गए तो जुम्मे को जश्न मनाया जाएगा। जी वो तो उसी सूरत में था ना कि अगर मुजाकरात नहीं होते हैं और मुजाकरात ना होने की सूरत में इमरान खान को रिहा करना था और उसकी जो कुछ और डिमांड थी उसको पूरा करें और उसका जश्न होना था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अभी उनको एक सिफल तसलियों वाली बात से रख रहे थे कि कोई चीज कमिट नहीं कर रहे थे और वक्त गुजर जाता तो उसके बाद कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं मानते। इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान ने राइटली जो है वो उनको रिफ्यूज किया है और ये इंस्ट्रक्शन जो है इशू हो गई है कि ये कार्रवाई जो है आपने जो कश्मीर की है।
अहमद वैसे किन को रिफ्यूज किया है मुजाकरात? तो एहसन इकबाल साहब कह रहे थे हमसे कोई मुजाकरात नहीं हो रहे, तो ये मुजाकरात हो रहे किससे थे? अब ये देखिए ना, सवाल ये है कि ये एहसन इकबाल साहब कहें या कोई कहें, ये बड़ी कन्वीनियंटली झूठ बोल जाते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आगे बात के लिए वो इन्हीं को तो आगे कर रही है। अच्छा, आपके मुजाकरात मतलब हुकूमत से ही हो रहे थे? नहीं, मैं नहीं कहता, मैं ये इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है। जी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अंडरस्टैंडिंग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी शक्ल में इन्होंने कोई ये डिफ्यूज करने के लिए कोई ऐसी बात इमरान खान तक पहुंचाई होगी कि जी इसको अभी पोस्टपोन करो, हम देख रहे हैं, कर लेते हैं जी, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसी बात कहीं शायद हुई हो जो उन्होंने रिफ्यूज कर दी होगी। ठीक, इसी वजह से बात है कि जिसमें क्लैरिटी नहीं है और जिसमें कल को वो हाना के ऊपर ना कर दें और फिर हम बैक उसके वन पोजीशन के ऊपर, तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि नहीं जी अभी जो हमने फैसला कर लिया हम उसी पे खाएंगे। ठीक, अच्छा सर, एक आपने अहमद वैस साहब इसको दिया हुआ नाम फाइनल कॉल, यानी आप घर नहीं जाएंगे, ऐसे बयानात भी सामने आ चुके हैं कि सर पर कफन भी बांधेंगे, मैयतों के जनाजे भी पढ़ाए जाएं अगर हम वापस ना आए। अब इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए डू और डाई वाला मामला आपके कारकुनान के लिए आप लोगों ने बना दिया है, लेकिन अगर किसी वजह से हमने पहले भी देखा कि डी चौक का ऐलान हुआ उस तरह से पहुंच नहीं पाए, रुकावटें ऑलरेडी इस्लामाबाद पिंडी में तो खड़ी हैं, अगर आने नहीं दिया गया और एक नैरेटिव ये बना दिया गया कि एहतजाज नाकाम हो गया है, तो उसको पीटीआई पर कुछ ज्यादा अच्छा असर नहीं होगा वैसे कारकुनान पर? देखिए, वो जब आप पेपर में बैठ के कैलकुलेट करें और कैलकुलेशन जब बनाई जाती है ना, तो उस सूरत में तो ऐसे ही होता है ना, अगर जंगे अगर जो हैं वो जब अगर बैठ के ड्राइंग रूम में लड़ी जाएं और वो पेपर में कि इतनी फलां की फौज है, इतनी हमारी फौज है, हमारे यहाँ से हम घुस जाएंगे, वहां से वो नहीं मार कहेंगे, इस तरह की वॉर टैक्टिक्स आप पेपर के ऊपर बना के बैठते हैं और कहेंगे कि ये जीत गया और ये हार गया, ह्यूमन माइंड को कोई रीड आउट नहीं कर सकता। और क्वांटम ऑफ एग्रेशन जो होता है जब ऐसी सूरत पैदा हो जाती है, तो वो जोश जज्बा वो लेके लोग निकलते हैं, क्योंकि लोग तो उकसाए हुए हैं, महंगाई से तंग है, इनके रिगिंग से तंग है, जिस आदमी ने वोट दिया वो उसको तो पता मैंने किसको वोट दिया, और कौम ने एज ए होल मेजोरिटी ऑफ पीपल जहां वोट दिए उनको मालूम है उन्होंने कहां दिए और उनके वोटों का क्या हाल हुआ है, तो लोग एनॉय हैं। खौफ था, अब खौफ नफरत में बदल गई, नफरत फिर दोबारा से इंसान के अंदर एग्रेशन पैदा कर देती है। ये सारी कैफियत जो है ये इन्होंने अपने कंडक्ट से पैदा की है, इसमें कोई किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक, ये खुद जिम्मेदार हैं अपने इन तमाम कामों के जो इन्होंने पैदा किए। चले, तो इस वजह से जी चले, अहमद वैस एडवोकेट साहब, आपने सुना नाजीन, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो मुझसे 24 नवंबर को हर सूरत डी चौक पहुंचा जाएगा और हुकूमत कह रही है कि अगर उसमें कोई शरपसंदी हुई तो हम आईनी हाथों से निमटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी की सिचुएशन आपको बताएं तो जगह जगह कंटेनर्स अभी से लग चुके हैं, तो महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद उन्हें घरों से ही निकलने ना दिया जाए। नाजीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahZeb। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।